हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सीमा मिश्रा डेकोरेट श्रेष्ठा से आप सबको दिखाने जा रही हूँ एक खूबसूरत सा खुशबूदार पौधा। ये देखिए, छोटे से पॉट में लगाकर कैसे हमने हमारा फ्रंट डोर साइड डेकोरेट किया है। और यहाँ एक ही पौधा में दो तरह के फूल यानी रेड और व्हाइट दोनों ही खिल रहे हैं। पूरी जानकारी के लिए देखते रहिए हमारा फुल वीडियो और हमें सब्सक्राइब करिए। हमारा स्वर्ग हमारा घर में आपका स्वागत है। आइए जाने चंपा यानी प्लूमेरिया के बारे में। सबसे पहले बता दे कि हम इसे क्यों चुने। नंबर वन, प्लूमेरिया और टेम्पल ट्री एक पवित्र पौधा माना जाता है और इसके फूल पूजा के लिए चढ़ाया जाता है। नंबर टू, प्लूमेरिया फ्लावर्स की खूबसूरती आप सभी को पता है। सफेद, पीला, लाल इन्हीं कलर्स में खिला हुआ चंपा हमारे घर को गुड लक खिंचलाती है। पर याद रखिए और इसे फ्रंट गेट के पास ही लगाइए। नंबर थ्री, यह पौधा न कि दिन में बल्कि रात में भी अपनी खुशबू से हमारे घर आंगन को महकाता रहता है। इसके फूल अपने बाथटब में डाल के अपने अपने ही घर में होम स्पा का मजा ले सकते हैं। नंबर फोर, इसके कई सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं। यह ना तो हमारी स्किन के लिए बल्कि दर्द के लिए भी यूज होती है। नंबर फाइव, आर्ट और कल्चर में देखा जाए तो बुद्धिज्म में ये इमोर्टैलिटी, तो चाइनीज कल्चर में लव को दर्शाता है और हवाईयन कल्चर में ये पॉजिटिविटी को रिफ्लेक्ट करता है। मेयान आर्ट हो या इंडियन, प्लूमेरिया की खूबसूरती सभी को अट्रैक्ट करती है, इसलिए आजकल इसी फ्लावर्स की टाटू के सब दीवाने हैं। यह फ्लावर्स मराठी में चंपा, हिंदी में गोलेंची, तमिल में नीला संपुंजी, बंगाली में काठ गोलाब और ओडिया में काठ चंपा के नाम में जाना जाता है। और इसे पागोडा ट्री, कैटरपिलर ट्री, पिजन वुड और फ्रेंगीपैनी भी कहते हैं। ये देखिए, इसकी पत्ती और फूल से हमने कैसे अपना पूजा रूम डेकोरेट किए हैं। तो आइए जाने कैसे इसकी केयर करें। इसे लगाना सबसे आसान है क्योंकि ये स्टेम कटिंग से आसानी से लग जाता है। यहाँ पर हमने दो वेराइटी जैसे कि प्लूमेरिया अल्बा जो कि सफेद कलर की है और प्लूमेरिया रूब्रा जो कि रेड कलर की है, दोनों की एक एक स्टेम लेके पास में ही क्रॉस करके लगाया हुआ है। एक्चुअली एक साल बाद ये बढ़कर खिलना चालू हुआ है। और इस तरीके से आपने एक ही जगह में दोनों वेराइटी के फूल का मजा ले सकते हैं, है ना खूबसूरत। यह पौधा जमीन में लगाने से लगभग 8 मीटर हाइट का होता है, पर पॉट में लगाकर रेगुलर ट्रिमिंग और प्रूनिंग करके आप इसे छोटा रख सकते हैं। इसके ब्रांचेस ग्रेस ग्रीन कलर का होते हैं और इसके टिप्स में बंचेस में पत्तियां होती है और टिप में ही कलियां और फूल खिलते हैं। अगर इसके पत्ती हम तोड़ते हैं तो इसमें से एक मिल्की सैप निकलती है। ऐसे तो इसकी ब्लूमिंग टाइम मार्च से नवंबर के अंदर होती है, पर यूजुअली ये अर्ली विंटर में फुल ब्लूम में पाया जाता है। प्लूमेरियल प्लांट के लिए फुल सनलाइट चाहिए होती है और कम पानी और गोबर खाद इसके लिए बेस्ट है। तो दोस्तों, क्या आप भी हमारे जैसे यह पौधा लगाकर अपना घर खुशबू और गुड लक से भरना चाहेंगे? तो देर किस लिए, ले आइए एक चंपा अपने घर के लिए और हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।